नमस्कार, योगिता श्रेष्ठ कुछ नहीं, मैं योगिता मोहिते आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मूली की खट्टी मीठी इस चटनी देखने वाले हैं। ये चटनी आप स्नैक्स और किसी भी चाट के साथ एंजॉय कर सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं हमें इस चटनी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता लगेगी। आज हम बनाने वाले हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली मैंने ऐसी वाली ली थी 100 ग्राम, इसे मैंने भिगो के रखा था एक घंटे पहले। इसे बाजू में रख देते पहले। शक्कर लगेगी हमें और गुड़ लगेगा। 100 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। यहाँ पे भुनी हुई जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जीरा है, धनिया है 1/2 टीस्पून, यहाँ पे काला नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, नमक लगेगा और तेल लगेगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इमली का जो पल्प है इसे मिक्सी के जार में हम चला लेंगे। ध्यान रखिए इसमें बीज ना होने चाहिए, नहीं तो अपना ग्राइंडिंग जार है खराब हो जाएगा। इससे पहले जब हम भिगोने रख देते हैं तभी इसे साफ करके रख दीजिए। तो ये पल्प हम बाजू में रख देंगे। पानी देखिए मिक्सी के जार में मैंने ये पल्प चलाया था। अभी ये पल्प हम एक छलनी में ले लेंगे, पूरा पल्प निकाल देते। इसमें जो ये पानी था हमने भिगोया हुआ इसमें ऐड करेंगे और इसे पूरी तरह हम अच्छी तरह से हाथ से निकाल लेते हैं। हमें छान लेना है क्योंकि इसमें रेशे रहते हैं तो निकल जाएंगे और एकदम मुलायम सा हिस्सा छलनी में जमा हो जाएगा। इस तरह से इसे छान लेना है, हाथ से ही छानेंगे, साफ हाथ से। देखिए पूरा मैंने इसे छान लिया है, थोड़ा थोड़ा इमली का पानी मिला के। ये जो हिस्सा है इससे हम पीतल के जो बर्तन है इसे घिसने के लिए यूज करेंगे, फेंकेंगे नहीं। और ये पल्प है पूरी तरह से जमा कर दिया है। अब इससे हम चटनी बनाएंगे। मैंने काली वाली इमली ली थी, आप चाहिए तो ब्राउन वाली भी ले सकते हो। मेरे पास काली इमली थी तो इससे बहुत बढ़िया से चटनी बन जाती है, कलरफुल और टेस्टी। गैस मैंने ऑन किया है, गैस पे पैन रखा है, उसमें हम 1 टीस्पून तेल डालेंगे। थोड़ा ही तेल ऐड करना है हमें। इसमें हम धनिया डालेंगे, जीरा डालेंगे, थोड़ा सा तड़तड़ हो जाए फिर हम इसमें इमली का पल्प डालने वाले हैं। देखिए जीरा थोड़ा सा तड़तड़ होने लगा है तो अभी हम इमली का जो पल्प जमा किया है हमने इसमें ऐड कर लिया। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम से धीमी रखना है और धीमी आंच के ऊपर ही हमें ये चटनी बनानी आराम से। गुड़ भी डालेंगे हम, शक्कर और बाकी की चीजें हम थोड़ी देर बाद ऐड करने वाले हैं। थोड़ा सा 2 चम्मच पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि पूरा पल्प इसमें जमा हो जाए। स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है वो ऐड करेंगे हम, और काला नमक है 1 टीस्पून, यहाँ पे रोस्टेड जीरा पाउडर है भुनी हुई वो डाल रही हूँ। इतने चटनी के लिए इतना मेजरमेंट काफ़ी है। और इसे मिलाते हैं, गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हैं। अभी 2 मिनट बाद इसमें शक्कर ऐड करेंगे, जैसे टेस्ट करो और इसमें आप शक्कर ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी खट्टी लगे तो और इसमें शक्कर ऐड कर लेना है, टेस्ट करेंगे बाद में थोड़ी देर बाद, फिर हमें पता चलेगा इसमें शक्कर की और ज़रूरत है। पाँच मिनट बाद मैंने टेस्ट किया था, थोड़ा सा मुझे शक्कर की ज़रूरत लगी तो मैं इसमें और 1 टेबलस्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ। और मीडियम हीट के ऊपर ही है गैस की फ्लेम। अभी ये हो जाएगी 2 से 3 मिनट बाद। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं शक्कर डालने के बाद, मैंने और शक्कर मिलाई थी। अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ये बराबर हो गई है और गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होने के बाद। तो अभी गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और अभी इसे ठंडा होने देंगे, बाद में आपको बताती हूँ कि चटनी अपनी कैसे बनी है। देखिए किस तरह से गाढ़ी बन गई है और मस्त बनी है। एक बाउल में निकाल के बताती हूँ कि कैसी बनी है चटनी। वाओ, आप इसे
स्टोर कर सकते हो एक कांच के बनने में, निकाल के इसे स्टोर कर देना है। जब चाहे तभी आप समोसे के साथ या किसी भी चाट के ऊपर इसको डाल के इसके मजे चख सकते हो। बढ़िया बनती है इस तरह से। थोड़ा सा ठंडे होने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है। देखिए इस तरह से ये चटनी होनी चाहिए। मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे बने। वाह, एकदम बढ़िया, मज़ेदार।